हेलो एंड वेलकम एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि नवोदय विद्यालय के क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप क्लास 6th एंट्रेंस या क्लास 9th एंट्रेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, जहां पे आप क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th एडमिशन से रिलेटेड कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, क्या एग्जाम का प्रोसेस रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आप फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन कब कब सबमिट कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगी, कब से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी टोटल फीस यहाँ पे क्या लगने वाली है, एग्जाम डेट क्या है एंड ऑल दैट डिटेल्स जो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले जानना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल सके। सो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है 7737653468, जिस पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्टस किसके लिए है, क्लास 11th एंट्रेंस के लिए है। वेकेंट सीट में यहाँ पे आपका एडमिशन दिया जाता है और 2024-25 के सेशन से आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नवोदय इंडिया के कितने स्टेट्स में है, तो 27 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे ये अवेलेबल है। नवोदय एक टाइप से को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल्स होता है जो कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही होता है और रेजिडेंशियल होता है। यहाँ पे आपका एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है बट फिर भी 600 रुपीज आपसे चार्ज किए जा सकते हैं मंथली बेसिस पे, सिर्फ उन स्टूडेंट से जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की स्टडीज कर रहे हैं विद्यालय विकास निधि के लिए। और इसमें भी छूट है अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, आप दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और गर्ल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये जो विकास निधि है वो भी नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर आप BPL के फैमिली में बिलोंग करते हैं तो भी आपसे ये चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं इन कैटेगरीज को छोड़कर, उनसे यहाँ पे 1500 रुपीज पर मंथ या एक्चुअल चिल्ड्रन कॉस्ट जो आता है उनमें से जो भी कम हो वो यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। मतलब आप ये मान के चलें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के स्टूडेंट हैं तो आपसे यहाँ पे कुछ चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज नियरली आपके लिए ये फ्री है। विद्यालय विकास निधि केवल बॉयज कैटेगरी से यहाँ पे लिया जाता है जो BPL से अबव के होते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन के लिए बात करें तो टोटल 650 JNVs अवेलेबल हैं 27 स्टेट्स और 8 UTs में, जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर दी जा रही है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको JNV के टैब में ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबल कौन कौन है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका बर्थ 1 जून 2007 से लेकर 31 जुलाई 2009 के बीच में हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, बंदा सिर्फ वही होगा जो क्लास 10th में अभी पढ़ रहा है इन द सेशन 23-24। अगर आप 23-24 के सेशन में अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पिछले साल क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मेरिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रिपेयर की जाती है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहां की मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा और आप सिर्फ एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, आप अलग अलग स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स आप जहां के डोमिसाइल हैं केवल वहीं से आप अप्लाई कर पाएंगे और एडमिशन के टाइम आपका एक मेडिकल चेकअप जरूर होगा। अगर आप किसी भी इन्फेक्शियस या सीरियस डिजीज से गुजर रहे हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइडेड है रूरल एंड अर्बन कैंडिडेट्स की।
अगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो रूरल एरियाज में आता है तो आपको रूरल कैंडिडेट माना जाएगा, मींस आप ग्रामीण के हैं। अगर आप किसी भी सिंगल डे के लिए अर्बन एरियाज के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको अर्बन कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे माना जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपको एडमिशन के सीट्स अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पे चूंकि लेटरल एंट्री है, आप सभी जानते हैं क्लास 6th में ही यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं, सिर्फ बचे हुए सीट्स पे ही यहाँ पे एडमिशन दिए जाते हैं, तो सीट्स कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है ये एंट्रेंस एग्जाम 10 फरवरी 2024 को 11 AM पे स्टार्ट हो जाएगा और आप एप्लीकेशन जो है वो 31 अक्टूबर 2023 तक फुलफिल कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2023 आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट डेट होगा जहां तक आप एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे और एग्जाम आपका 10 फरवरी के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, तो आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चाहिए होती है। और इसी के साथ साथ आपका रेजिडेंस प्रूफ यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, आपका एज प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आप किस क्लास को क्वालिफाई कर चुके हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनका भी रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एडमिट कार्ड वगैरह आपको टाइमली इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। रिजल्ट जो है वो जून 2024 में आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको ये फाइनलाइज हो जाएगा कि आपका एडमिशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। और इसमें आप याद रखेंगे डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जून 2007 से 31 जुलाई 2009 तक के ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे उनका एक सर्टिफिकेट मस्ट है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एग्जाम जो है वो मीडियम कौन सा होगा, तो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट 11 AM से लेकर 1:30 PM तक चलने वाला है और इसमें टोटल 5 सेक्शंस होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट्स क्या क्या है। मेंटल एबिलिटी जिसे आप रीजनिंग कहते हैं 20, सारे 20 20 मार्क्स के, सबको 30 30 मिनट्स आपको दिए गए हैं। इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ऐसे टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। यहां आपको अलग अलग बुकलेट नहीं मिलेगी, एक ही बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको ये सारे मिलेंगे। एडिशनल टाइम अगर आप दिव्यांग हैं तो 50 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा फुलफिल करने के लिए। सिलेबस आगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओएमआर शीट में आपको फिल करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप ओएमआर शीट में इस टाइप से बबल को फिल करेंगे ताकि आप इजिली आंसर्स मार्क कर सकें। अब आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है 11th में, आपको साइंस लेना है जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, आपको कॉमर्स लेना है, आपको ह्यूमैनिटीज लेना है, वोकेशनल में जाना है, वो डिसाइड होगा कि आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं। मतलब अगर आपको साइंस लेना है तो आपका मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो कि 60 हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनाया जाएगा। तो अगर आपको साइंस फील्ड में जाना है तो मेंटल एबिलिटी, साइंस एंड मैथमेटिक्स को आप ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आपको कॉमर्स लेना है तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स को आप फोकस करेंगे। अगर आपको ह्यूमैनिटीज लेना है तो आपको मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और कोई एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आना है, वो आपको मिलेगा। वोकेशनल के लिए मेंटल एबिलिटी आपकी टॉप होनी चाहिए और बाकी में से कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आपके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपको याद रखना है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपके ये जो 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 5ों सब्जेक्ट में से आपको उसे सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है। और मेंटल एबिलिटी तो सब में कॉमन है तो ये तो आपके लिए मस्ट है, यहाँ पे आपको सारे स्ट्रीम के लिए मेंटल एबिलिटी अच्छी चाहिए। इसके बाद अगर और आगे बढ़े तो एक मिनिमम कट ऑफ स्टैंडर्ड भी है। मिनिमम कट ऑफ क्या है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होने वाला है और सेक्शनल कट ऑफ के बाद आपको क्वालिफाई करना है मेरिट में। यहाँ पे जनरल या ओबीसी बॉय के लिए 21 मार्क्स होने वाले हैं, जनरल
या ओबीसी के गर्ल्स के लिए 20 होने वाला है, एससी एसटी दिव्यांग के लिए 18 होने वाला है। ये सेक्शनल कट ऑफ के बाद ओवरऑल कट ऑफ है, मतलब आप तो कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं वो लेकर आए। डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा आपको, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ अब देख लीजिए कि कहाँ पे सीट्स अवेलेबल है या नहीं। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कोड 2 होने वाला है, आप बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हैं, साइंस अवेलेबल है, कॉमर्स नहीं है, ह्यूमैनिटीज अवेलेबल है, वोकेशनल अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज को देखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करेंगे। हालांकि साइंस सारे ही स्कूल्स में अवेलेबल है, लेकिन कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड वोकेशनल बहुत कम के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसको फॉलो करेंगे, और ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन करें और वहां पे आप ये पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लाइक सपोज कीजिए आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कॉमर्स है ही नहीं, और अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम। तो कॉमर्स के लिए अप्लाई मत कीजिए, यहाँ पे अदर वोकेशनल के लिए अप्लाई मत कीजिए, सिर्फ साइंस, और यहाँ पे आपके पास ह्यूमैनिटीज है तो सिर्फ आप उसी के लिए अप्लाई कीजिए। तो एप्लीकेशन के टाइम इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाएगा, और ये पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो आप उन्हें डाउनलोड करें और लिंक को फॉलो करते हुए इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये पूरी लिस्ट को देखने के बाद, चूंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, टोटल 559 स्कूल्स हैं, तो एक एक करके सबका बताना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल, उड़ीसा के दैकल, यूपी के आगरा, यूपी के वाराणसी, बिहार का सहरसा और वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में यहाँ पे अवेलेबल है। क्या क्या है ये वोकेशनल कोर्सेज, आपको होटल मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट करना है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पे जाना है, फाइनेंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट करना है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पे जाना है, तो वो वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल होने वाले हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर, या फिर आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे 7737653468 अवेलेबल है। तो मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।